दोस्तों आज हम सीखेंगे 3-2-5 खेलना। एक एक्सक्लूसिव 3-प्लेयर कार्ड गेम है जो हो सकता है आप बचपन से खेलते आए होंगे। आइए उन यादों को ताजा करते हैं और नए लोगों को भी ये गेम सिखाते हैं। ये गेम हम 30 कार्ड के साथ खेलेंगे। तो आपको क्या करना है, दुर्री से लेकर सत्ती हर कलर की आपको अलग हटा देना है, एक्सेप्ट लाल पान और काले पान की सत्ती जिसे हम इस गेम में इंक्लूड करेंगे। फाइनल इन 30 कार्ड्स के साथ हम गेम को खेलेंगे। मैंने कार्ड्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है जिसमें इक्का सबसे हाईएस्ट कार्ड है और सत्ती इस गेम में सबसे छोटा कार्ड होता है। इस गेम में आपका ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा सर बनाना होता है। सर बोलते हैं चले हुए पत्तों के एक राउंड को, एंड जिसका पत्ता सबसे बड़ा होता है वो सर उस प्लेयर की हो जाती है। अब हमें डिसाइड करना होगा किस प्लेयर का सर का टारगेट क्या होगा। उसके लिए कोई भी कलर का 3-2-5 कार्ड निकालकर रैंडमली प्लेयर्स को बांट देंगे। जिसके पास 2 आएगा वो डीलर बनेगा एंड उसका टारगेट मिनिमम 2 सर बनाना होगा। उसके राइट वाला प्लेयर ट्रम्प बोलेगा एंड 5 सर बनाएगा एंड बचा हुआ प्लेयर 3 सर बनाएगा। नेक्स्ट गेम्स में डीलर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेंज होते जाते हैं। सबसे पहले डीलर सभी प्लेयर्स को 5-5 पत्ते बांट देगा। 5 सर बनाने वाला प्लेयर हाथ के पत्तों के अकॉर्डिंग ट्रम्प बोलेगा, ट्रम्प है लाल पान। उसके बाद बचे हुए पत्ते 3 और 2 करके सभी में बांट देंगे। इस गेम में ट्रम्प डिसाइड करने के और भी तरीके हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है, वो मैं वीडियो के आगे के पार्ट में बताऊंगी, सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल इट। सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं पत्ते ओपन करके रख रही हूँ, बट एक्चुअली मैं प्लेयर्स अपने कार्ड्स हाइड करके रखते हैं। सबसे पहली चाल आएगी प्लेयर 3 की, जिसने चला है चिड़ी का इक्का। प्लेयर 2 के पास चिड़ी है तो उसे चिड़ी ही चलना पड़ेगा। अब प्लेयर 1 के पास चिड़ी का कोई पत्ता नहीं है तो वो ट्रम्प सूट का कोई भी कार्ड चल के ये सर बना सकता है। लास्ट सर प्लेयर 1 का बना था तो नेक्स्ट चाल आएगी प्लेयर 1 की, जिसने चला है काले पान का एक पत्ता। प्लेयर 3 के पास काला पान नहीं है तो पिछले सर की तरह इस बार वो भी ट्रम्प सूट का कोई भी कार्ड चल के ये सर बना सकता है। इस चाल में ना ही प्लेयर 1 के पास चिड़ी है और ना ही ट्रम्प का कोई कार्ड, तो वो कोई भी पत्ता चल के पास दे सकता है। अब आप समझ तो गए होंगे, जब आपके पास चला हुआ सेम कलर है तो वही चलना जरूरी है, और नहीं है तो आप ट्रम्प से काट सकते हैं या फिर पास दे सकते हैं। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। लेट्स डू द काउंटिंग ऑफ द हैंड्स नाउ। प्लेयर 2 के बने हैं 5 सर अपने टारगेट से 2 ज्यादा, प्लेयर 3 के बने हैं 3 सर अपने टारगेट से 2 कम, एंड प्लेयर 1 के बने हैं बराबर 2 सर। जो प्लेयर इस गेम में टारगेट नहीं पूरा कर पाया, नेक्स्ट गेम में उसे मिलेगी पेनल्टी। आइए अब वो भी समझ लेते हैं। यहां तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करके आगे आने वाली गेम्स की अपडेट भी पक्की कर लें। पेनल्टी के लिए नेक्स्ट गेम में सारे पत्ते डील होने के बाद प्लेयर 3 अपने पत्ते ऐसे फैला के रखता है। प्लेयर 2 जिसने 2 सर एक्स्ट्रा बनाए थे लास्ट गेम में, इसमें से एक एक करके 2 पत्ते खींचेगा। उसके एक्सचेंज में या तो लेस यूजफुल पत्ता या फिर सेम पत्ता रिटर्न कर सकता है। पेनल्टी चुकाने का एक और तरीका है, मान लीजिए प्लेयर 3 के पास बहुत अच्छे कार्ड्स हैं एंड वो पत्ते नहीं खिंचवाना चाहता, तो वो गेम के एंड में अपनी बनी हुई सर में से 2 सर प्लेयर 2 को दे देगा। चलिए अब वो ट्रम्प डिसाइड करने का एक और तरीका भी जान लेते हैं। 5 पत्ते सभी प्लेयर्स में बटने के बाद जिस प्लेयर को ट्रम्प बोलना रहती है उसके नेक्स्ट 3 पत्ते उल्टे रख देते हैं, जिसमें से कोई भी एक कार्ड सिलेक्ट करके वो उसे छुपवा देता है। अब नॉर्मल गेम शुरू हो जाता है। जब किसी चाल में किसी भी प्लेयर के पास चला हुआ कलर नहीं होता है तो वो ट्रम्प रिवील करवा सकता है। मजेदार बात यह है कि इस मेथड में स्टार्टिंग में ही किसी को भी ट्रम्प पता नहीं होती है। आई होप आपको ये गेम समझ में आया होगा। दोस्तों आपके लाइक्स और कमेंट्स हमें नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते रहते हैं, तो इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।